सभी जानवरों में कुत्तों को सबसे ज्यादा वफादार माना जाता है, जिसके कारण इंसानों का प्यार और लगाव भी कुत्तों के साथ सबसे ज्यादा होता है। आज हम आपको कुछ ऐसी महिलाओं के बारे में बता रहे हैं जो कुत्तों के प्रति लगाव और उनसे स्नेह करती है। इन महिलाओं ने इस बार इन कुत्तों को राखी बांधकर रक्षाबंधन मनाया। आइए हम जानते हैं कि इनके बारे में। राखी त्यौहार मनाते हुए आपने कई लोगों को देखा होगा कि अलग अलग तरीके से अलग अलग ढंग से मनाते हैं, और यह भाई बहन का प्रेम का त्यौहार कहलाता है। लेकिन यहाँ पर इस राखी के त्यौहार को एक अलग ही तरीके से प्रेजेंट किया गया है, और आप जिसमें कि जो महिलाएं हैं वो जो स्ट्रीट डॉग होते हैं, जो सिर्फ एक आवारा कुत्तों के मतलब जो आवारा कुत्ते हैं उनके नाम से जाने जाते हैं, लेकिन आवारा कुत्ते स्ट्रीट डॉग की परिभाषा इन महिलाओं ने बदल दी है, जिसके चलते उन्होंने राखी के त्यौहार को स्पेशल बनाने के लिए स्ट्रीट डॉग को राखी बांधी है, और साथ ही इसके कई कारण बताए हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं मेरे पीछे कि यहाँ पर एक स्ट्रीट डॉग है, और जो मैडम है वो स्ट्रीट डॉग को जो राखी के अनुसार जो परंपरा होती है, टीका लगाना, आरती करना और राखी बांधना, ये सारी चीज़ें एक स्ट्रीट डॉग के साथ की जा रही है। वहीं जो राखी के मायने हैं, राखी की परिभाषा है, वो एक बदलती नज़र आ रही है इसको देखते हुए। जैसे कि हम भाइयों को मिठाई खिलाते हैं, वैसे ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैडम के थ्रू यहाँ पर स्ट्रीट डॉग को राखी बांधी जा रही है। वहीं मिठाई के तौर पर उनका जो भोजन है वो उनको रखा गया है, खाने के लिए खिलाया जा रहा है, जहाँ पर एक जो आवारा कुत्ते होते हैं उनकी एक परिभाषा नई स्वरूप नज़र आ रहा है, एक बदलता स्वरूप नज़र आ रहा है, जहाँ लोग इनसे डरते हैं कि कहीं हमें ये काट ना ले। मानते हैं कि अब उन्होंने डॉगी को राखी बांधी है, आरती करी है, जैसे कि एक बहन अपने भाई के लिए करती है। मैम बताइए, आज आपने राखी बांधी है, वो भी एक स्ट्रीट डॉग को, जिससे सब लोग डरते हैं। हाँ, देखिए रक्षाबंधन का मतलब क्या होता है, भाई बहन की रक्षा करे, ये मतलब होता है। तो मेरे तो पर्सनली कोई भाई नहीं है, लेकिन मैं स्ट्रीट डॉग्स के साथ करीबन 8-9 ईयर्स से जुड़ी हुई हूँ, और मैं हमेशा ही ये राखी का उत्सव उन्हीं के साथ मनाती हूँ, क्योंकि असल में यही हमारे रक्षक हैं। जब हमारे वहाँ देखा जाए तो चौकीदार रखे जाते हैं, पर वो लोग भी अपनी ड्यूटी उतनी अच्छी तरह से नहीं निभा पाते जितनी ये निभा पा रहे, तो ये असल में हमारे ब्रदर जैसे रक्षक हैं। राखी की एक नई परिभाषा कि जब भाई बहन की रक्षा करता है, और बहन राखी इसलिए बांधती है क्योंकि भाई उसकी रक्षा कर सके, उसका हर वक्त साथ दे सके। उसी के चलते मैडम का कोई भाई नहीं होने के कारण वह स्ट्रीट डॉग को राखी बांधती है, जिससे कि वह उनकी जो रक्षा जो 24 घंटे है सबसे पहले रक्षा वही करते हैं। आइए हम कुछ और लोगों से जानते हैं। मैम बताइए कि आज आपने राखी के फेस्टिवल को इस तरीके से स्ट्रीट डॉग के साथ मना रहे हैं, क्या कारण है? बिल्कुल, हम ये चाहते हैं कि जितना सम्मान इंसान को यहाँ पर रहने का मिलता है, उतना ही ये बेजुबानों को भी मिले। इनका भी पूरा अधिकार है यहाँ जीने का, खाने का, पीने का, प्यार पाने का। इस उत्सव के माध्यम से हम ये लोगों को अपील करते हैं कि इनको प्यार करें, इनको भोजन दें, इनको मारें ना, इनको पानी दें, और इनकी सुरक्षा, जो ये सुरक्षा हमारे लिए करते हैं, जो हम जिसके लिए पुलिस या गार्ड और इसकी हमें सहायता लेना पड़ती है, तो ये हमें बिना किसी पैसे के ये सुरक्षा देते हैं, हमारे हर जगह साथ में रहते हैं, और ये सबसे अच्छा गार्ड का काम करते हैं, सिक्योरिटी का काम करते हैं। तो इसको ये त्यौहार मनाने का उद्देश्य यही है कि लोगों को ये लोगों के मन में एक प्यार की भावना जागृत करें, जो उनके मन में एक घृणा है इन लोगों के प्रति, उसको हम मिटा के एक प्यार का एक हम उनको मैसेज दे पाएँ। इसीलिए हम ये रक्षा सूत्र के नाम से ये राखी का बंधन ये हम लोग करते हैं। रक्षा सूत्र के नाम से जो ये राखी का त्यौहार है वो स्ट्रीट डॉग के साथ किया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उनका एक
क्यूट सा हाउस बना हुआ है जिसके अंदर वो बैठे हैं, राखी बंधी हुई है, साथ ही एक छोटा सा टेडी बेयर रखा हुआ है, सिर पे गुलाल है। इस तरीके की सारी चीज़ें एक स्ट्रेट डॉग के साथ की जा रही है जो कि काबिले तारीफ है, जहां लोग सिर्फ डॉग स्ट्रीट डॉग को सिर्फ एक ऐसे नज़रिए से देखते हैं कि अगर स्ट्रीट डॉग के पास से निकले या फिर स्ट्रीट डॉग के पास गए तो वो सिर्फ काटेगा। अब हम मैडम से और जानते हैं कि क्या प्रोसेस रही, कितने सालों से ये जो स्ट्रीट डॉग के लिए उनका जो प्रेम है सारी चीज़ें, वो कितने सालों से वो इन स्ट्रीट डॉग की देखभाल करते आ रही हैं। मैम, अक्सर अगर देखा जाता है तो जो इनको जो डॉगीज हैं इनको आवारा कुत्ते के नाम से जाना जाता है, कि सिर्फ जो ये कुत्ते हैं जो रोडों पे घूमते हैं वो सिर्फ काटते हैं या उनसे दूर से निकला जाए, उनको छेड़ा ना जाए, लोग इनसे घबराते हैं जी। आज आप लोगों ने इनको राखी बांध के जो आज इतना स्नेह जो प्रेम देखा है, एक अलग नई परिभाषा दी है इस चीज़ को। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप लोगों को कि किस तरीके से इनसे व्यवहार किया जाए, क्योंकि कई लोग होते हैं, अभी हाल ही में 2 महीने पहले एक हादसा हुआ था, सिर्फ डॉगी के भोंकने पर ही एक व्यक्ति ने उसको गोली मार दी थी, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे ऐसे लोगों को? देखिए, ये शब्द जो है कुत्ता, इसके नाम के अंदर ही गाली है, इसके नाम के अंदर ही घृणा है, और जब तक हम इसके शब्द की जो परिभाषा है, जो घृणा है, जो गाली है, उसको हम दूर नहीं करेंगे, तब तक हम लोगों के मन में इन जीवों के प्रति प्यार की भावना नहीं फैला पाएंगे। और यही कारण है कि हम इस मुहिम, डॉगिटाइजेशन मुहिम के माध्यम से लोगों को बोल रहे हैं कि कुत्ते को कुत्ता बोलना बंद कीजिए। क्या हो गया यदि हमने कुत्ते को लड्डू बोलना चालू कर दिया? आप सोचिए कि हर गली के अंदर कुत्ते की आवाज़ आने की जगह लड्डू की मिठास बोली जाएगी, तो कितनी मधुरता पूरे शहर में, गलियों में, देश में फैलेगी। तो हम लोगों को यही बोलना चाहेंगे कि देखिए, आज तक हमने घृणा करी तो इस विषय पर हमें कोई सफलता नहीं मिली। एक बार प्यार करके भी देख लीजिए, हो सकता है कि आप भोजन पानी प्यार देंगे तो ये समस्या से आपको मुक्ति मिल जाएगी डॉग बाइट के। जैसे कि मैडम ने बताया कि जो डॉग बाइट होती है, अगर आप इनको प्यार देंगे और इनको घृणा की नज़र से नहीं देखेंगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो चीज़ें हैं वो बदल जाए, एक नया स्वरूप ले ले। और जो ये डॉग बाइट, आवारा कुत्ते, जैसे कि मैम ने बोला है कि आवारा कुत्ते डॉग बोलने की जगह इन्हें अगर किसी नाम से अगर पुकारा जाए तो कितना अच्छा होगा। इसी तरीके की नई नई चीज़ें जो रहती है, वो जो स्थितियाँ हैं उसको बदलती नज़र आती है। जो आज हमने आपको दिखाया है, एक नई तरीके की परिभाषा इससे जागृत होती है। अब लोग, काफ़ी संस्थाएं रहती हैं, काफ़ी लोग रहते हैं जो इस तरीके की जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, जो भी पशु रहते हैं उनके लिए काफ़ी काम करते हैं, लेकिन सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि कुछ लोग ही आके या फिर आगे आएँ या फिर उसी चीज़ पर ध्यान दें, कुछ संस्थाएँ आगे आएँ और उस चीज़ पर ध्यान दें, ऐसा नहीं है। अगर देखा जाए, एक सामान्य से इंसान की भी बात की जाए, तो किसी भी व्यक्ति को या फिर किसी भी पशु को सिर्फ प्यार से बढ़कर कुछ नहीं चाहिए रहता है। अगर आप उसका प्यार से ध्यान रख लेंगे तो ही वो आपसे सबसे बढ़कर चीज़ है। ऐसे एक उदाहरण हम आपको देंगे कि जो यहाँ पर जो वॉचमैन हैं, जो यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड हैं, वो यहाँ पर जो स्ट्रीट डॉग हैं उनको पानी, खाना सुबह शाम देते हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। पहले तो आप बताइए, आप यहाँ पर क्या काम करते हैं? ये गार्ड चौकीदार। चौकीदार हैं यहाँ पर। यहाँ पर जो आवारा कुत्ते हैं उनको आप किस तरीके से ट्रीट करते हैं? हम पानी पिलाते हैं, खाना देते हैं, दोनों टाइम 3 साल लोगों को खाना पानी देते हैं। अच्छा, तो यहाँ कभी उन्होंने आपको काटा है? नहीं काटा है, मेरी बच्ची 3 साल की होगा, ऊपर बैठ जाती है रानी के ऊपर। अच्छा, कभी काटा नहीं उन्होंने? नहीं काटा। क्या चाहिए अगर, जैसे आप इतने सालों से अगर इन सब कुत्तों, जो डॉग्स हैं, उनको अगर आप खाना पानी दे रहे हैं, तो एक उनका व्यवहार भी आपने देखा होगा, क्या चाहिए रहता है उनको? उनका जो हम जो भावना है, हम कुत्ते नहीं बोलते, हम उनको डॉगी बोलते, उनको देने से हमारा बहुत फायदा भी है। अच्छा, जैसे कि उन्होंने बताया कि सिर्फ उनको सिर्फ प्यार चाहिए और हम उनको कुत्ता नहीं बोलते हैं, और वाकई में अगर किसी पशु को अगर कोई नाम से पुकारा जाए तो वो पशु भी आपको प्यार ही देगा, ये भी मेरा भी यही मानना है। इसी तरीके के साथ आप KNN News के साथ बने रहिए। कैमरा पर्सन अमित के साथ खुशबू यादव, KNN News इंदौर।